वेलकम टू अनदर वीडियो ऑन दिस चैनल। आज हम इस वीडियो में कंपेयर करने वाले हैं 2021 में लॉन्च हुई नेक्सन और 2018 में जो नेक्सन लॉन्च हुई थी मेरी वाली, इन दोनों नेक्सन में कंपैरिजन करेंगे और देखेंगे क्या क्या डिफरेंसेस हैं। सिमिलैरिटीज तो या 90% सिमिलर हैं, बट बहुत ही माइनर डिफरेंसेस हैं, कुछ जगह मेजर चेंजेस भी हैं, वो सब आपके साथ डिस्कस करेंगे। ओनर के साथ बात करते हैं और देखते हैं कि उनका एक्सपीरियंस कैसा है नई नेक्सन को चला के, और उन्होंने अभी पुरानी वाली नेक्सन भी चलाई है। देन हम देखते हैं कि उनको क्या डिफरेंसेस फील हुए दोनों नेक्सन चलाने में, एक है BS4 का इंजन और एक है BS6 का इंजन। सो नाउ लेट्स गेट स्टार्टेड विद द वीडियो। ठीक है चिराग भाई, आप बताओ कि अब आपने वो वाली भी चला ली और ये वाली आपने नई ली, अभी देखा मैंने 750 किलोमीटर चली हुई है, क्या क्या डिफरेंसेस आपको इसमें? डिफरेंसेस पहले तो ये कि नेक्सन की बैजिंग यहाँ पे आ गई है और जो यहाँ पे कंट्रोल्स थे वो हटा दिए गए। हाँ, उस वाले में कंट्रोल्स है, यहाँ पे सिर्फ बैजिंग दे दी है। तो यहाँ पे ट्रायरो फिनिश तो आ गई है, ये जो आप देख रहे हो, ठीक है, उसका ये पियानो ब्लैक फिनिश पूरी हो गई इसमें। देन उसके बाद जो उसका स्टेयरिंग का जो ये जो टाटा के बैजिंग जो आती है उसमें थोड़ा सा ब्रॉड है, इसमें थोड़ा सा नैरो कर दिया। हाँ, मतलब उस वाले में हॉर्न दिया हुआ है इसमें, इसमें हॉर्न आप इसको प्रेस करके एक्सेस कर दोनों तरफ से, ठीक है। उसका क्लस्टर जो है, इसका क्लस्टर चेंज कर दिया पूरा, सारा डिजिटल कर दिया है उसमें वो है एनालॉग है। सर उसके बाद इसमें चार स्पीकर, चार ट्विटर तो सब में, हाँ वो दोनों में आते हैं, वो तो हार्मन कार्डन का सिस्टम आता है। देखो स्क्रीन, अब स्क्रीन की बात करो तो इसकी स्क्रीन थोड़ी सी मुझे वाइड लग रही है, एक्चुअल स्क्रीन का साइज सेम है, बस ये चीज थोड़ी सी वाइड है, टोटल बॉडी है थोड़ी सी वो वाइड है। हाँ, और यहाँ पे हार्मन की आपको बैजिंग मिलेगी। हाँ, तो स्क्रीन के अंदर का इंटरफेस भी काफी अलग है, उसका एकदम अलग है इससे, मतलब ये इसको शायद ड्रैग करके ऐसे कुछ कर सकते हो ना, ये है कुछ। हाँ, यहाँ पे पूरा का पूरा सिस्टम आता है। बाकी और एक ये है कि ये चीज जो है वो उसमें नेट कपड़ा है, इसमें लेदर राइट है पूरा प्रॉपर, ये चीज जो है। हाँ, ठीक है, डिफरेंस हो गया। ये जो आर्मरेस्ट है ये भी लेदर है, सीट सारी इसमें लेदर राइट सीट कवर है सारी, ये जो है। अच्छा, ठीक है, हाँ ये अच्छी फिनिश लग रही है। बाकी स्टोरेज वगैरह अगर यहाँ से बात करें तो वो सेम है, एग्जैक्ट स्टोरेज पूरा सेम है, स्टोरेज में कोई चेंजेस नहीं है। ये ऊपर से इस पैनल का पूरा डिजाइन भी सेम है, ये कपड़ा इसमें नेट दे दिया बस, सिंस तेरा डार्क एडिशन है तो सब कुछ डार्क दिया भाई, बहुत सही लगता है अंदर से इसमें बैठ के। ठीक है भाई, इंटीरियर की बात तो हमने कर लिया, एक्सटीरियर के डिफरेंसेस बताओ, बैक से शुरू करते हैं, पीछे क्या क्या डिफरेंसेस लगे? पीछे का डिफरेंस है कि टेल लाइट का डिफरेंस दे दिया है, जो टेल लाइट उसमें जो उसकी वो जो थी कवरिंग थी वो अलग थी, कवरिंग अलग है, और प्लस जो उसमें रेड कलर की जो लाइन दी हुई है, अच्छा वो अलग है, उसमें नहीं है इसमें है। अच्छा अच्छा, ठीक है, ट्रायंगुलर पैटर्न दे दिया पीछे। हाँ, पीछे ट्रायंगुलर पैटर्न भी दिया हुआ है नीचे, और इसमें उसमें कुछ और डिजाइन है, और 2021 वाले में अलग डिजाइन है। पीछे जो एक रिफ्लेक्टर जो होता है, रिफ्लेक्टर उसमें प्लेन दिया हुआ है, इसमें कवरिंग के साथ दे दिया रिफ्लेक्टर। हाँ, नई वाली हाउसिंग रिफ्लेक्टर की जो हाउसिंग है ना वो अच्छे से बनाई है, बढ़िया बनाई है। और दूसरा हम बात करेंगे रूफ रेल्स की, बात करेंगे रूफ रेल्स उसमें अलग डिजाइन की है, थोड़ा सा उसकी हाइट कम दी हुई, इसमें हाइट थोड़ी ज्यादा दी है, डिजाइन थोड़ा सा अलग है दोनों में, डिजाइन डिफरेंट है। हाँ, और एंटीना वगैरह इसका कहाँ पे है? इसमें पीछे ही है, पीछे शार्क फिन एंटीना ऊपर ही है, शार्क फिन सेम। अच्छा, वो सारा सेम है। और बात करते हैं इसकी, अगर हम साइड में, साइड भी क्लैडिंग सेम है, ORBM का जो इंडिकेटर्स का जो फिक्सेशन है वो भी सेम, उसमें कोई चेंजेस नहीं करी कंपनी ने। देन अगर इसके हम आते हैं बोनेट के ऊपर आते हैं, हाँ। उसमें क्या है कि बोनेट थोड़ा सा दिखता नहीं है, हाँ, बस उसका ना थोड़ा सा देख नीचे की तरफ स्लैंटिंग है, स्लैंटिंग है। इसका थोड़ा सा स्ट्रेट है, फेस पोजीशन दे दिया है कंपनी ने, तो थोड़ा सा क्या है कि इसमें आप इजीली दे सकते हैं इसमें, एग्जैक्टली यहाँ पे बोनेट दिखता है। इसका डिजाइन, हाँ, मुझे बोनेट का अच्छा लग रहा है, डिजाइन अच्छा है, आगे से कंपनी ने एक स्लैंटिंग जो लाइन थी वो दे दी कंपनी ने। ठीक है, एक तो चीज हो गई बोनेट की, फिर अब आओ हेडलाइट्स पे, हेडलाइट्स आते हैं, हेडलाइट्स का भी पूरा लुक चेंज कर दिया, लुक चेंज कर दिया आपको, हेडलाइट के साइड में नेक्सन की बैजिंग भी दिखती है, साइड में देखने को मिलेगी नेक्सन की बैजिंग है, प्रोजेक्टर हेडलैम्प दे दिए इसमें, प्रोजेक्टर आई गेस उसमें भी है, लो बीम और हाई बीम दोनों अलग अलग है ना, उसमें भी सेम है वो चीज तो, बट इसका डिजाइन बहुत अच्छा है, डिजाइन अच्छा है। फिर आगे आते हैं हम उस पे, जो आगे जो ग्रिल्स है, ग्रिल्स में उसमें प्लेन है, इसमें ट्रायंगुलर हाँ, ग्रिल्स डिफरेंस उसका, उसकी बनी है प्लास्टिक से, आई गेस है तो इसकी भी प्लास्टिक है, दोनों फाइबर है, बस डिजाइन कंपनी चेंज कर दी, एक ट्रायंगुलर पैटर्न दे दिए, जो कि आप देख सकते हो कि अंदर जो हमारा है अंदर भी ट्रायंगुलर पैटर्न है, कंपनी ने थोड़ा सा ट्रायंगुलर पैटर्न के ऊपर ज्यादा फोकस किया है। और पीछे से जैसे हम बात कर रहे हैं एलईडी टेल लाइट की जो है, उसमें भी ट्रायंगुलर पैटर्न है, नहीं एलईडी नहीं है भाई, एक्शन में आई गेस पूरा का पूरा हैलोजन सेटअप है,
हैलोजन कह सकते हो आप, बैकलाइट बैकलाइट में ट्रायंगुलर फिनिश दी हुई है, हाँ, उसका भी डिजाइन अलग है, सही है। अंदर भी ट्रायंगुलर फिनिश है और जो आप देख सकते हो बाहर है जो ग्रिल्स पे वो भी ट्रायंगुलर फिनिश दी हुई है। तो कंपनी ने बेसिकली ट्रायंगुलर फिनिश पे कुछ फोकस किया है, कुछ किया है इस टाइप का, हाँ कुछ तो है। फ्रंट ग्रिल के नीचे का जो पोर्शन है नीचे का उसका भी, उसमें भी ट्रायंगुलर है, उसमें थोड़ा क्रोम फिनिश दिया हुआ है नीचे जो है, है वो प्लास्टिक बट उसको लगता क्रोम की तरह है। हाँ। इसमें कंपनी ने ट्रायंगल उसमें क्रोम फिनिश नहीं दिया हुआ है, ठीक है, इसमें प्लास्टिक के फाइबर है। अच्छा, इसमें ये बता दिया ना, इसमें इस डार्क की बैजिंग है, डार्क की बैजिंग है आपके लेफ्ट साइड पे, पैसेंजर साइड पे, बोथ साइड पे बैजिंग डार्क है। अच्छा, दोनों साइड पे डार्क की बैजिंग है, ठीक है। वैसे और एर्गोनॉमिक्स वाइज बाकी सारी चीजें सेम है, इसका हल्का सा डिजाइन अलग है, थ्री पोक डिजाइन उसमें भी है, थ्री पोक डिजाइन इस पर भी है। और जो इसमें हम टायर्स की बात करें, टायर्स में डायमंड फिनिश के इसमें अलॉयज दे दिए हैं, इसके अंदर अलॉयज की बात करें तो। अच्छा, हाँ, इसके अंदर डार्क अलॉयज है ना, डार्क अलॉयज है प्लस डायमंड फिनिश के साथ में, डायमंड कटिंग के साथ। ये डार्क एडिशन इन्होंने नेक्सन ने डार्क एडिशन निकाला था क्या? डार्क एडिशन निकाला प्रॉपर नेक्सन ने, जिसमें एक हैरियर भी आती, एल्ट्रोस भी आती और एक नेक्सन भी आती। क्या मतलब होता क्या डायमंड कट का, मतलब मुझे ये बताओ, जस्ट एक लुक के लिए डायमंड कट की टाइप चल रहा है। डायमंड लुक, डायमंड कट लोग क्या है, आपका जो टायर की ग्रिपिंग जो है, टायर की ग्रिपिंग जो उसे बैठती है वो प्रॉपर परफेक्ट बैठती है उसके अंदर, परफेक्ट बैठती है। और एक लुक आती है ना अलॉय की, जो एक्चुअल फील बंदा लेना चाहता है ना वो फील आती है इसमें डायमंड कट में, ये फर्क है। बट एक चीज अगर रिव्यू मैं देना चाहूंगा कंपनी को, नेक्सॉन को, कि अगर डायमंड डार्क एडिशन आप दे रहे हो तो थोड़ा सा इसके अलॉय से फोकस करो आप, थोड़ा सा क्रोम फिनिश के साथ अलॉय देना चाहिए, जो मतलब जैसे पुराने वाले में दिख रहे हैं, जैसे इसमें दिख रहे हैं, जैसे इसमें थोड़ा सा गाड़ी में और लुक आ जाएगी। बट भाई फिर डार्क नहीं रहती ना, वो तो शाइन में आ गया, उनको चाहिए था पूरा डार्क। नहीं, अगर मैं हल्का सा, अगर आप क्रोम हल्का सा डाल दो और थोड़ा सा डार्क एडिशन में, अगर आप जो साइड की जो विंडो के ऊपर जो क्लैडिंग जो आ रही है उसको अगर आप हल्का सा क्रोम कर दें, जैसे हैरियर में ऑप्शन दिया हुआ है, आप उसको क्रोम लगा सकते हो बाहर से, तो थोड़ा इस गाड़ी में और प्लस पॉइंट हो जाएगा। नहीं, अगर मैं सेम इसी कार के डार्क एडिशन की टॉप वेरिएंट की बात करूं तो उसमें अलॉय व्हील मेरे हिसाब से उसमें सेम है, बस एक सनरूफ आ जाएगा उसके अंदर, और राइट साइड में जो है आपका टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम के लिए वो कंट्रोल आ जाएगा, प्लस थोड़ा सा आपका क्रूज मोड का आ जाएगा। अच्छा, नेक्सन में टायर प्रेशर मॉनिटरिंग भी आती है? हाँ, टॉप वेरिएंट में वो एग्जिट प्लस ऑप्शनल में आती है। ओके, ये एग्जिट प्लस ही है, ऑप्शनल ही है, बट इसमें नहीं है, उस पे नहीं आता था उस टाइम पे। न्यू वाली में टायर प्रेशर मॉनिटरिंग आ रही है आपकी, और राइट में कंट्रोल्स आ रहे हैं क्रूज के आ रहे हैं, सनरूफ तो आपको पता ही, सनरूफ है इसके अंदर। अभी तूने चला के देखी BS4 और BS6, तू वैसे कोई डिफरेंस लगा तुझे? नहीं, ऐसा जैसा कुछ डिफरेंस नहीं लगा, बस थोड़ा सा इंजन नॉइस का आप कह सकते हो कि हल्का सा फर्क है। हाँ, वो होगी ना बात की, वो 3 साल पुरानी भी है वो, और ये भाई 700 किलोमीटर ही चली है अभी, तो रिफाइनमेंट तो होगी भाई ऑब्वियसली, ये BS6 वाला थोड़ा ज्यादा रिफाइंड होगा, है ना। बस नेक्सॉन को हल्का सा फोकस करनी चाहिए हल्का नॉइस पे, कि नॉइस थोड़ा सा इनको नॉइस जो रिएक्शन है वो भाई हर 3 सिलेंडर इंजन में देखो नॉइस मिलेगी। कल मैंने वेन्यू का किया था, वेन्यू के अंदर भाई इतनी सी भी आवाज नहीं आती इंजन की, इतनी सी भी, इतना साइलेंट केबिन है वेन्यू का, बहुत जबरदस्त है। और आगे इसका शायद टर्बो इंजन है, उसका टर्बो नहीं है, उसका 12 cc का नेचुरली एस्पिरेटेड है, तो वो वाली है भाई हमारी ऑटोमेटिक, और ये है तेरी मैनुअल। तो क्या कहते हो भाई, ऑटोमेटिक चला के कैसा लगा? ऑटोमेटिक चला के अच्छा लगा, ऑब्वियसली अच्छा लगा है। ऑटोमेटिक में ये है कि आपको थकान नहीं होगी चलाने में लॉन्ग डिस्टेंस पे, आप जैम में अगर फंसते हो तो आपको एग्जॉशन नहीं होगा इसमें, आप कंफर्टेबल हो। नहीं, वैसे लोग कहते हैं ना कि ऑटोमेटिक उसमें AMT गियर बॉक्स है तो उसका भी पिकअप इतना अच्छा नहीं है, जिनको प्रॉपर सिर्फ राइडिंग के लिए चाहिए उनको ऑटोमेटिक पसंद नहीं आता। मेरा एक पॉइंट है इसमें, अगर मैं ड्राइविंग एक्सपीरियंस की बात करें, अगर आप हाईवे पे लेके जा रहे हो आप, ठीक है, लॉन्ग ड्राइव, तो मेरे हिसाब से फिर वो मैनुअल मेरे लिए ठीक है, वो मतलब वही ना, देख वो यूज केस पे डिपेंड करता है। अगर आप सिटी में चला, मेरे हिसाब से आपकी ऑटोमेटिक बेस्ट कार है। ठीक है भाई, खुश है ना गाड़ी से? परफेक्ट एकदम। चल, थैंक यू भाई गाड़ी लाने के लिए। थैंक यू सो मच। तो इसी के साथ इस वीडियो को एंड करते हैं। प्लीज डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मतलब अगर रात को कोई पीछे से आ रहा है और ये दरवाजा खुला होता है, इस रिफ्लेक्टर के थ्रू पीछे वाले को पता लग जाएगा। यार कार में ना बैठ के तुम कर रहे हो, चला रहे हो, गाड़ी चला रहे हो, लेकिन सेफ फील होती है। सेफ फील होती है। टाटा ने ये इंश्योर किया कि हाँ भाई, अंदर तुम्हें छोटे मोटे डिफेक्ट्स मिल जाएंगे, बहुत ही माइनर है, बट बहुत सेफ फील होगी। आप इंटरनेट पे देख लो भाई, इसके एक्सीडेंट की वीडियो देख लो, इसको कुछ भी नहीं होता भाई। मारुति की गाड़ियां पूरी की पूरी खत्म हो जाती हैं। आधी हो गई थी वो, तो भाई वीडियो बहुत ही फेमस हुई। चलो भाई, 10 बज गए। चलो भाई।